आप सभी को नमस्कार। कार ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NS 929 कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में, तो इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो जैसे कि NS 929 जो इनका नया मॉडल है, तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके इंजन पावर से लेकर इसकी कार्य क्षमता, जो फ्यूल लेती है वो, और कितने क्या एक घंटे में काट सकती है, इन सभी चीज़ों की भी और साथ इसका रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना कोई भी पॉइंट है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आगे से शुरू कर देते हैं। तो इसके सबसे पहले जो कटर आता है वो 14 फीट का आता है आगे, और ये क्या नीचे फीडर हो गया, और इसमें आप देख सकते हैं डबल पट्टी है और तीन चैन है, और जैसे चौक हो गया, फीडर काफ़ी बार चौक हो जाता है, तो यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। और फिर आ जाता है इसके जैक, क्वालिटी देख सकते हैं यहाँ पे, पूरा हैवी जैक है इसका, और साथ में ये मैकेनिकल राड मिल जाती है, और ये इसका गियर बॉक्स है। और इसमें आपको 18-34 के टायर मिल जाते हैं अपोलो के, और ये ऊपर चढ़ने के लिए इसकी सीढ़ी हो गई, जैसे आगे पैर टायर के लगने का खतरा नहीं है, पूरी प्लेट दे रखी है ऊपर से यहाँ तक, नीचे तक प्लेट मिल जाती है ताकि पैर जाए तो आगे इसको टायर को भी टच ना करे। तो एक बार आपको ऊपर चल के इसके कैबिन और दिखा देते हैं। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको एक ये मिल जाता है टूल बॉक्स, इसमें आप सभी चीज़ें अपनी टूल किट जो जो होती है रख सकते हैं। और उसके बाद आ गई, एक बार सीट पर बैठ जाते हैं, ये आगे का ओवरव्यू आ गया, तो आगे कटर होगा पूरा आसानी से दिखेगा, और जैसे कि इसमें बैठने का कंफर्ट है वो ही पूरा है। सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, इससे सीट एडजस्ट हो जाती है क्लच से ब्रेक है, और जैसे ये रेस हो गई, ये चेंजर है अप डाउन के लिए, आइलो के लिए, ये रील के लिए, रील के लिए, और कटर को ऊपर नीचे करने के लिए, और ये मशीन को आइलो करने के लिए, और ये मीटर हो गए उस साइड है, ये मशीन को बंद करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, जैसे उस साइड शायद उस पर पूरी सीट लग जाएगी, और साइड में मिरर मिल जाते हैं यहाँ पर सभी, जैसे लाइट हो गए, स्विच हो गए, फ्यूज़ हो गए स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पर छोटा मिरर मिल जाता है, साइड में मिरर मिल जाता है पूरा बड़ा। इसमें आपको ये 20 क्विंटल का ग्रेन टैंक मिल जाता है, और 101 हॉर्स पावर का इसमें आपको इंजन मिलता है, एच सीरीज का इंजन है। एक बार इसके दिखा भी देते हैं, मॉडल नंबर शायद लिखे होंगे, तो इसके ऊपर तो नहीं दे रखे, बाकी एच सीरीज का इसमें 101 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है। और ये जैसे उस साइड जाना है तो यहाँ से दे रखा है, ऊपर से आप इसके ऊपर से उस साइड निकल सकते हैं, जैसे इस तरह से, और पीछे जैसे आपको स्टव आकर चेक करने हैं तो इसको खोल के कर सकते हैं। ये इसका टूल बॉक्स हो गया पूरा बड़ा अंदर तक, और ये इसमें हाइड्रोलिक टैंक है, ये रेडिएटर फैन हो गया इसका इस साइड है, और ये फ्यूल टैंक है, ये फ्यूल टैंक पूरा बड़ा मिल जाता है। और अब इस मशीन की कार्य क्षमता ही बात करें, जैसे तो आप आमतौर पर गेहूँ की लगा कर चलें तो आप 3 से 4 एकड़ आसानी से 1 घंटे में काट सकते हैं, और 1 घंटे में लगभग 8 लीटर तेल लेगी, 8 लीटर तेल में 3 से 4 एकड़ की कटाई करेगी, वही धान की 2 से 3 एकड़ की कटाई करेगी। फ्यूल 1 घंटे में सेम लेती है, जैसे कि है तो सभी हार्वेस्टर ये सेम लेती हैं। और ये चीज़ देखो साइड में, इसमें ये फाइबर की दे रखी है, फाइबर बॉडी में, ताकि इसमें मशीन में वाइब्रेशन भी नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा मशीन में, और मशीन का वेट भी कम रहेगा। और ये यहाँ से मिल जाता है, जैसे कि ये तो अपना पूरा हो गया, और जैसे अपने थ्रेसर चौक हो गया, उसको खोलना, बास्केट की सेटिंग करनी है, इसको हटा के कर सकते हैं, और ये अपना थ्रेसर वाला हो गया, ये फैन हो गया हवा वाला, जिससे सफाई होती है, 5 पंख है इसमें, और यहाँ से इनकी सेटिंग हो जाती है, कम ज़्यादा हवा, अगर कम ज़्यादा हवा करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हैंडल भी दे रखे हैं बल्टों के लिए, इस पर भी हो गया, इस पर भी हो गया, जो जो बल्ट हैं जो लूज हो जाते होने का चांस रहते हैं वो, उन पर हैंडल दे दिए। और ये 7 नंबर का है बैरिंग, इसमें
सात नंबर की बैरिंग है और यहाँ पर टूल बॉक्स दे दिया। टूल बॉक्स के ऊपर से भी ये शील्ड मिल जाती है, जैसे ये भी छुपा रहता है और मशीन का लुक भी काफ़ी अच्छा बन जाता है, तो डबल बेनिफिट इसमें आपको मिल जाते हैं। और अब पीछे के टायरों की बात करें तो इसमें शायद 916 के टायर हैं इसमें ही रहे 916 के, और पीछे काफ़ी शानदार लाइट मिल जाती है, पूरी बंद मिलती है, ये काफ़ी अच्छा लुक देती है। और साइलेंसर पीछे की तरफ निकाल रखा है पूरा, ताकि मशीन का ऊपर भी धुआं ना जाए और पीछे धुआं निकलता रहे। यहाँ पे नाबा की पूरी बैंडिंग मिल जाती है और पीछे लाइट दे रखी है, NS का अपना लोगो है पीछे। और इसमें आप SMS सिस्टम भी लगा सकते हैं, जो ये अपनी कस्टमर चॉइस है। और इसमें 5 वाकर हो गए और ये इसकी शीप है, आगे बैठ हो गया पूरा, शीप भी बड़ी है और इनकी सेटिंग भी आसानी से हो सकती है। अंदर की तरफ देखते हैं, देखिएगा तो अभी यहाँ पर थोड़ा अंधेरा, कुछ ज़्यादा उजाला नहीं है तो इस वजह से कम दिख पा रहा है। और यहाँ पे इस प्रकार से दे रखे हैं इसमें ये सिस्टम है पीछे वाला इसको चलाने के लिए, और ये काफ़ी हैवी पीछे वाला जैक सिस्टम मिल जाता है। और पीछे जैसे फ्यूल टैंक में ये देखना है कितना है, ये नलकी दे रखी है पाइप है और यहाँ पे कट दे रखा है इसका, तो इसको ऊपर जाकर देखने जरूरत नहीं, नीचे से दिख जाएगा। और ये एलिवेटर हो गए इसके, और ये 7 के पीछे क्रैंक है इसके 207 का। ये फ्यूल टैंक यहाँ पे ट्विटर मिल जाता है पीछे बैक वाला, और यहाँ पे आप स्टेपनी लगा सकते हैं जैसे एक्स्ट्रा टायर के लिए। ये फ्यूल टैंक, ये एयर टैंक हो गया उस साइड है, इसके यूज़ का आपका पता ही है, जैसे हवा भरनी हो और मारनी मशीन पर उसके लिए यूज में हो जाता है। जैसे इनको आप लॉक कर सकते हैं किसे, तो किसे लॉक हो जाते हैं ये, उसके बाद आसानी से देखो ऐसे लॉक अनलॉक किया। और इसको गाड़ी की तरह सिस्टम दे रखा है इसमें, यहाँ पे जैसे कोई कुछ भी खोलना है तो इसके ऊपर पकड़ के बाद खुल जाता है आसानी से। ये एडल सिस्टम आपने देख लिए थे, हर पार्ट पे मिल जाता है जैसे। और ये असेंबली वाली सभी पुड़ियाँ सभी काफ़ी मजबूत दे रखी हैं, और ये एक नट खोला और पुड़ी बाहर आ गई। ये सिस्टम देखो आप, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये फीचर है, इसमें मेहनत भी कम लगती है और ये खुल के पटरियाँ खतरा भी नहीं, जैसे चाबी निकल गई और खुल के गिर गया ऐसा कोई खतरा नहीं है, तो ये बेनिफिट है। ये अपना थ्रेसर वाला हो गया, और ये 6 के बैरिंग में ये साइड बलोर हो गया, जो धूलगर्दे से ड्राइवर और को ड्राइवर को बचाता है। और ये आप आगे का लुक देख सकते हैं, जैसे 3 लाइट ये यहाँ पर हो गई और 2 बीच में फिर और 2 उससे ऊपर है, तो लुक है वो काफ़ी अच्छा है मशीन का। तो इस हार्वेस्टर के इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन दबा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आ रही नई मशीनों की जानकारी आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।